यदि हमें दो या तीन मिनट का समय और मिल जाए तो एक स्मृति चिन्ह कशिश बिटिया ने फिरोजाबाद से भेजा है, जो आप ये देख रहे हैं केएस म्यूजिक, ये जो लगा हुआ है यूट्यूब चैनल, देश देश तक ये पहुंचाता है। वो आदरणीय हमारे संजय भैया, जिनकी बेटी है कशिश, जिनके नाम से ये यूट्यूब चैनल चलता है, उस बच्ची ने ये चिन्ह भेजा है। वो मैं चाहूंगा हमारे संजय भैया आदरणीय हमारे पापा जी को सप्रेम भेंट करेंगे। आप मंच में आ जाएं आदरणीय हमारे पापा जी, आप मंच में आ जाएं। ये स्मृति चिन्ह हमारे आदरणीय संजय भैया, जो केएस म्यूजिक एचडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को ये निरंतर कार्यक्रम दिखाएंगे, वो आपको ये स्मृति चिन्ह सप्रेम भेंट करना चाह रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए। जोरदार तालियां। जब जब इस अनुज भ्राता की तस्वीर हम देखते हैं या कानों में आवाज पड़ती है इसकी ढोलक की तान की, तब तक ये हमें भाई याद दिलाता है। उपस्थित बंधुओं, अभी कल्पना जी ने अपने शब्दों में बहुआ के लिए अपने भाव प्रकट किए। क्या कहूं, ये सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है, लेकिन मुझे इतना जरूर कहना है, कीर्तन की दुनिया में हमारे बहुआ ने अपना जीवन समाप्त किया है। जिस ग्रुप के साथ उन्होंने, विद्वान कलाकारों के साथ में उन्होंने अपनी संगत दी है, जिस समय हमारे बहुआ की डेथ हुई है विगत पिछले वर्ष में, उनकी 28 वर्ष की उम्र थी। उनकी मैंने शादी भी कर दी थी। आज उनके जीवन न रहने के बाद मेरा संपूर्ण परिवार तार तार हो गया है। कहना यह है मंच के माध्यम से कि जिस पार्टी के साथ बहुआ जा रहे थे मध्य प्रदेश कीर्तन ही करने जा रहे थे, उस पार्टी के मुखिया ने दुर्घटना हुई होती है, लेकिन जिस बेकदरी से बहुआ को एक कुत्ते की तरीके से मौत के काल में समा चुका था, जिस समय मुझे सूचना मिली, मैंने बहुआ को पोस्टमार्टम हाउस में पाया है। आज तक ये कीर्तनकारों की चाटुकारता को मैंने जब देखा तो बहुत कुछ अलग पाया है, और मुझे खेद है इस बात का कि सारा कीर्तन समाज रो पड़ा, लेकिन उस बेवफा और बेदर्द महिला को और उसके जो आज ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, मैं तो यही कहूंगा, प्रभु तुम सबके दाता हो, सारी सृष्टि तुम्हारी है, उसके आगे किसी की नहीं चलनी है,
लेकिन शिकायत मुझको इस बात की है कि आज की तारीख तक अभी तक उस ग्रुप के मुखिया ने किसी भी प्रकार की कोई संवेदना, अब वो लोग पूछ देते, मजबूरी उनकी है कि पूछ देते हैं कि कहां कैसे। तो एक औपचारिक रूप से कि मैं बहुत दुखी हो गई, मुझे बहुत परेशानी हो गई, लेकिन अगर इन शब्दों में थोड़ी सी भी सच्चाई होती, एक बार इस दुखी परिवार से किसी न किसी माध्यम से उनका धर्म बनता था। खैर, आप सभी हमारे हैं, मैं आपका हूं। जिस समय बहुआ की वो मृतक बाड़ी मैंने देखी, बहुआ हमारे जैसा कि बताया, बहुआ हमारे एक बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत पढ़ा लिखा बच्चा था, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ था, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से उसने बैचलर ऑफ जर्नलिज्म किया था और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म उसने हिमाचल प्रदेश से किया था, हिमाचल यूनिवर्सिटी से। आज क्या दशा है, मैं जिंदा लाश हो चुका हूं। खैर, मैं भी उस आत्मा के लिए, चूंकि मेरे पुत्र के रूप में जन्मा, तो मैंने परमात्मा से यही प्रश्न किया कि विधाता तो दया सागर है, दुर्भाग्य तो मेरा है, मैं भी कुछ कह लूं संगीत की विधा में। हंसे हरे भरे आंगन में गम का बादल फूट पड़ा, महाकाल हो करके भी काल ये बन के टूट पड़ा। जब मैंने अपने उस लाडले पुत्र को देखा, तो मैंने उस परमात्मा से कहा है, प्रभु कि मेरे दाता कैसा ये न्याय, मेरे दाता। जवान बेटे की अर्थी, एक जवान बेटे की अर्थी कैसे बाप उठाए, कहूं तुमने जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं मिला बालपन से
कि मैं उसको कुछ कह सकता, तो बस इतना ही मुझे कहना है, मैं किसका दोस्त हूं। परमात्मा ने अगर कुछ होगा, परमात्मा की व्यवस्था होगी, तो इसका निर्णय तो भगवान के घर में होगा। क्योंकि जिसने मेरे बच्चे की जान जल्दबाजी में ली है, मैं उसे श्राप देता हूं कि इसका फल और प्रतिफल उन्हें अवश्य मिलेगा। मुझे अपने परमात्मा पर भरोसा है, इसीलिए कहना है, मेरी आंखों में उसका चेहरा है, जैसे कोई गुलाब होता है, मेरी बाहों में ऐसे लेटा है, जैसे बिस्तर पे कोई सोता है। जब कभी भी बस केवल ये आंसू बहा। और 30 सेकंड में अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये बउआ की ताकत है जो मैं खड़ा हूं। क्यों भैया? कि रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो फल अब हम पा रहे हैं। जाय सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि। जा रहे हैं,
रचाय सृष्टि को जिस प्रभु ने वही हमारे निगम साहब उनका सानिध्य जब मैं इस इंटर कॉलेज में पढ़ता था, ये अटल बिहारी इंटर कॉलेज है, उसका दरवाजा है, उसके पहले से निगम साहब मुझे मिलते थे। आज वो भी मेरे बीच में नहीं है बंधुओं। मैं गाने नहीं, मैं रोने आया था। बस मैं चाहता हूं कि पप्पू परवाना जी भी अपनी बात कह करके इस कार्यक्रम को विराम दें।